जब शाम के समय पे चाय के साथ इस तरीके से गर्मा गर्म आलू चॉप उनको परोसेंगी अपने घर वालों को, तो यकीन मानिए उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और ये खाते ही वो इतने तारीफ़ करेंगे, ये बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बना के तैयार किए हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए, आलू चॉप की रेसिपी है, इसका बेसन का बैटर बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो परफेक्ट तरीके से बेसन का बैटर बन गया तो ये आलू चॉप तो लाजवाब बन के तैयार होगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही लाजवाब रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू चॉप की। तो इसके लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे हरी मिर्च, एक मुठ्ठा मूँगफली और यहाँ पर तीन मैंने उबले हुए आलू को मैश कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैं रेसिपी शेयर करूंगी, यकीन मानिए। और इस तरीके से जब भी आपका मन करे बना के ज़रूर खाइएगा। तो इसको मैंने इस तरीके से अच्छे से मैश कर लिया है, कढ़ाई को चढ़ा दिया है चूल्हे पे, और कढ़ाई हल्का गर्म हो चुका था तो यहाँ पे दो बड़े चम्मच मैंने तेल डाल दिया। बहुत ज़्यादा तेल हमने नहीं डाला यहाँ पर। और तेल गर्म हो चुका है तो पंचफोरन, इसका बेस्ट फ्लेवर लेके आएगा पंचफोरन, पंचफोरन ज़रूर डालें। इसमें कोई मसाला हम नहीं डालने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ पंचफोरन डालेंगे। हरी मिर्च डाल दिया है, साथ में जो मूंगफली एक मुट्ठा ली थी उसे भी यहीं पे डाल के एकदम लो आंच पे इसे सेक लेंगे। मूंगफली का क्रंचनेस एक जब दांत के नीचे आएगा ना, कि मनी फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आलू को फ्राई कर लूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये अच्छे से फ्राई हो चुका था थोड़ा देर के लिए, तो यहाँ पे दो तीन चुटकी मैंने हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और यहाँ पे नमक आप सेहत के अनुसार डालें, नमक बहुत ही कम यूज करें। और यहाँ पे दो तीन बड़े चम्मच मैंने पोहे को भिगा के रख लिया था धुल के अच्छे से, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, यकीन मानिए ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ऑथेंटिक बन के तैयार होगा आलू चॉप की ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने पोहे को डाल दिया है और पोहे को भी आलू के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी और कुछ देर के लिए इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे सीम आँच ही रखें और इसको तब तक भूनना है जब तक कढ़ाई को छोड़ने लग जाए ये सारी चीज़ें। आलू और पोहे जब तक कढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कढ़ाई को अच्छे से छोड़ रही है आलू, स्टफ हमारा तैयार हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर दिया है। यहाँ पे ले लिया है दो से तीन बड़े कप बेसन का, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और अजवाइन जरूर डालें, नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। अजवाइन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है और कोई भी चीज़ को आसानी से पचाने में मदद भी करता है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप देख पा रहे होंगे मैंने ज़्यादा मसाला किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ हल्दी डाला है और यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। और पानी एकदम थोड़ा थोड़ा डाल के इसका बैटर बनाएंगे, क्योंकि बैटर इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा थिक बन जाएगा तो भी हमारा आलू चॉप बहुत अच्छा नहीं बनेगा, अगर बहुत ज़्यादा पतला बन जाएगा तो वैसे भी ठीक नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से बैटर को बना रही हूँ, देखिए। और इसको फेंटना नहीं भूलें, कम से कम 3 से 4 मिनट तक लगातार इसको फेंटते रहें एक ही तरफ से। और इस तरीके से हमारा बैटर यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। बैटर को थोड़ा देर के लिए हम रेस्ट पे रखते हैं, तब तक हमारा इधर आलू का स्टफ जो यहाँ पे रखे थे ना ये भून के, ये ठंडा हो चुका है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है लेकिन हाँ इतना ठंडा हो गया कि जितना मैं इसको हाथों से छू सकती हूँ। तो इसको एक छोटा सा नींबू से भी छोटे साइज का बॉल बना लें और इसको इस तरीके से गोल गोल करके और यहाँ पर फ्लैट कर दें हथेलियों के बीच में दबा के, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से सभी को टिकी टाइप बना के रख लूँगी, क्योंकि ये बना के रख लेंगे तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर जब आप तेल में डालने जाइएगा और ये रेडी नहीं होगा तब तक उधर जल जाएगा कढ़ाई में। तो इसको पहले इस तरीके से बना के रख लें टिकी की तरह, इस तरीके से गोल गोल, ये देखिए बहुत ही अच्छी सी शेप आई है। और मैं इसी तरीके से सभी को बना के रख लिया है, बाकी जो बचे उसे भी मैं बना के रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं डीप फ्राई कर लूँगी और ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी बन के तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर जो बैटर बना के रखा था उसको थोड़ा देर रेस्ट हो चुका था, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें डीप करेंगे आलू का जो बना के रखा ना मैं टिक्की टाइप का, ये देखिए इस तरीके से आलू चॉप। तो इस आलू चॉप को मैं बेसन में डीप करूंगी और सीधा आराम से आहिस्ता से कढ़ाई में छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे मैं डीप कर रही हूँ और चलिए कढ़ाई के पास चलते हैं और उसे बनाना शुरू करते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है आप देख पा रहे होंगे, तो हल्के हाथों से यहाँ पे छोड़ दें ताकि छींटे आपके हाथ में ना पड़े, एकदम से केयरफुली। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आप देख पा रहे होंगे,
फ्रेंड्स, ये आलू चप की रेसिपी सबसे बेस्ट आलू चप की रेसिपी है, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है और इसके अंदर तेल बिल्कुल भी घुसेगा नहीं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार हो रहे हैं। देखिए मैं इसको पलट देती हूँ और इसी तरीके से मीडियम टू लो आँच पे बना के हम तैयार करेंगे आलू चॉप। बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। और ये देखिए, इसको अच्छे से उलट पलट के हम बढ़िया से सेक लेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता है, और जो हमने पोहे डाले ना उसका टेस्ट ही गजब का आएगा यहाँ पे। तो एक बार पोहे डाल के आप आलू चॉप ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। उसके बाद आप चाय के साथ शाम के समय पे इंजॉय कर सकते हैं या तो फिर चटनी के साथ। और ये देखिए हमारा आलू चॉप बहुत ही बढ़िया कलर आया है, एकदम इसी तरह की सेक के तैयार कर लेंगे। जब सुनहरा कलर हो जाए ना तभी आप कढ़ाई से इसको निकाल लीजिए और टिश्यू पेपर पे बढ़िया से रख लीजिए। और इसमें बिल्कुल भी तेल ज़्यादा नहीं है, तेल सिर्फ पकने में जो लगा, इसके अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं घुसा है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से आलू चॉप निकाल लिए हैं। दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी। ये देखिए दूसरा बैच जो डाला था, मैं भी इसे भी अच्छे से उलट पलट के बढ़िया से पका लूँगी क्रिस्पी होने तक। और ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं। बाकी बचे हुए आलू चॉप को मैं इसी तरीके से बनाकर रख लूँगी और इसके साथ मिर्ची के पकोड़े जाएंगे बढ़िया से चटपटा सा तीखादार एकदम से। तो यहाँ पे आलू चॉप तो हमारे सारे पक गए हैं, अब मैं यहाँ पे मिर्ची के पकोड़े बनाऊंगी साथ में, जो बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने मिर्ची को जो थोड़े से लंबे लंबे साइज के थे उसको चीरा लगा लिया था बीच से, और फिर उसी बेसन में इसको डाल के यहाँ पे इसे भी सेक लूँगी अच्छे से उलट पलट के। और फ्रेंड्स, आलू चॉप के साथ ये मिर्ची का जो होता है ना बेसन में डिप करके, मतलब इसको मिर्ची का पकोड़ा आप कह सकते हैं, तो ये मिर्ची वाले पकोड़े आलू चॉप के साथ साथ में चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा और अपने फैमिली को खिलाइएगा, वो तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब रेसिपी बन के तैयार होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा मिर्ची का भी पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो चुका है, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। और ये देखिए हमारा आलू चॉप देखने में ही इतना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये खाने में तो वाकई बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही टेस्टी था, यकीन मानिए। और एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा ये आलू चॉप की रेसिपी साथ में मिर्ची का पकौड़ा। तो यहाँ पे मैं चाय के साथ इंजॉय करूँ शाम के टाइम पे। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।